फिल्म स्टार के बीच रिलेशनशिप और शादी होना आम बात है। कई अभिनेत्रियों ने अभिनेताओं संग शादी की है। वहीं फिल्मी पर्दे पर भी ज्यादातर कहानियों में देखा गया है कि हीरो हीरोइन एक हो जाते हैं और फिल्म की एंडिंग हैप्पी होती है। हालांकि असल जिंदगी में भी कई अभिनेत्रियां ऐसी रही जिन्हें फिल्म के हीरो से नहीं बल्कि निर्देशक से प्यार हुआ और वे शादी के बंधन में भी बंधे। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं जोड़ियों से रूबरू करवाने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन सी है वो जोड़ियाँ। नंबर एक, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी ने फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा से साल 2014 में शादी की है। दोनों ने शादी से पहले कुछ साल तक डेटिंग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य ने अपनी पत्नी पायल को तलाक दे दिया था और इसके बाद वो रानी मुखर्जी के प्यार में पड़ गए थे। नंबर दो, यामी गौतम। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री यामी गौतम पिछले साल ही फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर के साथ अपनी शादी के चलते सुर्खियों में आई थी। आदित्य धर द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर हैं और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान यामी और उनकी नज़दीकियां बढ़ी थी। नज़दीकियां कब प्यार में बदल गई पता नहीं चला और आखिर में दोनों ने साथ ही रचा ली। अब ये कपल अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। नंबर तीन, कल्कि कोचलिन। बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक कल्कि कोचलिन ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप से शादी की थी। हालांकि ये शादी ज़्यादा समय तक नहीं टिकी और दोनों का 2 साल के अंदर ही तलाक हो गया था। बता दें, कल्कि अनुराग की दूसरी पत्नी बनी थी। इस समय कल्कि इजरायली क्लासिकल पियानिस्ट गाय हर्ष बर्ग को डेट कर रही है। नंबर चार, सोनाली बेंद्रे। 90 के दशक के सबसे चर्चित एक्ट्रेसेस में से एक सोनाली बेंद्रे ने साल 2002 में फिल्म मेकर गोल्डी बहल को अपना हमसफर चुना था। दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम रणवीर है। इस समय सोनाली अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही है। नंबर पाँच, रवीना टंडन। 90 के दशक की हिट एक्ट्रेसेस में एक रवीना को फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से प्यार हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पहली पत्नी का नाम नताशा सिप्पी है। नताशा से अलग होने के बाद अनिल ने रवीना से शादी कर ली थी। इस समय रवीना टंडन के 4 बच्चे हैं और जिसमें से उन्होंने 2 को अडॉप्ट किया है और सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वैसे इन अभिनेत्रियों में से आपकी फेवरेट अभिनेत्री कौन सी है, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।